वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबा केसरी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले पूरे देश भर में लोगों की धड़कने बढ़ी हुई हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट का क्या पैटर्न है और क्या संभावनाएं लग रही हैं, हम जानना चाहेंगे। यहाँ के प्रयागराज के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, उन्होंने जगह जगह जाकर अलग अलग पोलिंग बूथ में महसूस किया, देखा है कि क्या पैटर्न था, किस तरीके से लोग निकल रहे थे, किस तरह के मतदाता थे और क्या रुझान हो सकता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इलाहाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं कि आखिर इस बार मतदाताओं के मन में क्या था। सबसे पहले सुनील सर, आपसे जानना चाहते हैं इलाहाबाद लोकसभा सीट में मतदाताओं के मन में क्या दिखा आपको? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर चुनाव मुद्दों पे हुआ है जैसा कि लग रहा है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। और अगर मोदी जी के चेहरे पे हुआ है, जो होता हुआ नहीं दिखा, तब मोदी ये बीजेपी के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस और भारतीय समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ा जो कि आमतौर पर देखा जाता है। इसका एक कारण, जो प्रमुख कारण मैं मानता हूँ, वह है कि जो उम्मीदवार था कांग्रेस का, उस उम्मीदवार की जमीन पे असर, वो खुद 2 बार के विधायक, उनके पिता 7 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सदस्य, 1 बार के राज्यसभा सदस्य, और उसी जमुना पार इलाके के रहने वाले। नीरज त्रिपाठी के पास भी कोई विरासत की कमी नहीं थी, उनके पिता एक बड़े प्रभावशाली नेता रहे हैं कृष्णनाथ जी, वो स्वयं खुद अच्छे वकील हैं, बीजेपी का संगठन उनके पास है, लेकिन उनकी खुद की राजनीतिक ताकत कुछ नहीं है व्यक्तिगत। तो उनके पास संगठन का ताकत है, उनके पास मोदी जी का चेहरा है, उनके पास अपने पिता की विरासत है। इन सभी की तुलना में अगर आप कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करेंगे, तो उसके अपने खुद की भी ताकत है, गठबंधन की भी ताकत है, एंटेन गमबंसी का लाभ मिलेगा, और अपना जो उनकी राजनीतिक पारिवारिक राजनीतिक विरासत है उसका फायदा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को एक एज होनी चाहिए। अरुण जी, आपको क्या लगता है, क्या एज अगर मिल रहा है गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी को, लेकिन मोदी जी का चेहरा कहा जा रहा है, जो पार्टी के लोग कहते हैं कि बड़ा चेहरा है, विकास की बात की जा रही है, उस पर कितना चुनाव टक्कर होने जा रहा है? दिनेश भाई, इसके अलावा संसदीय क्षेत्र की किसी भी बात को 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है। पहला हिस्सा गठबंधन का जो प्रत्याशी है उससे, एक तो आपको गठबंधन का जो प्रत्याशी आया ये कांग्रेस ने कैसे घोषित किया, इसे आपको समझना और देखना पड़ेगा। उस लोकसभा सीट पर वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमण सिंह के पुत्र हैं। पिछले 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रेवती रमण सिंह को और उनके पुत्र जो कांग्रेस के प्रत्याशी बने उज्ज्वल रमण सिंह, दोनों लोगों को एक किस्म से अपने हिस्से से दरकिनार करके जैसे रखा हुआ था। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है कि अखिलेश यादव ने पिता पुत्र को एक हाशिए पर रखा, इसकी कसक उनके लोगों में भरपूर है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वहाँ उस इलाहाबाद संसदीय सीट पर, उनको जब टिकट मिलना था तब रेवती रमण सिंह ने उनका विरोध किया था, उनको टिकट ना मिले, तो उसका असर भी यहाँ है। और उनकी बिरादरी उस लोकसभा सीट पर अच्छी खासी संख्या में है, ठीक है। रेवती रमण सिंह के पक्ष में कुछ बातें हैं जिसका लाभ निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। उस सीट पर वह 2 बार सांसद रह चुके हैं, करछना से वह कई बार खुद विधायक रहे, उनके पुत्र भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन लगातार 2 चुनाव इसी लोकसभा क्षेत्र से रेवती रमण सिंह हार भी चुके हैं। तो जो वो पुराना उनका रुतबा था, जो पुरानी पकड़ थी लोगों के बीच में, वह अब वैसी नहीं रही, कम हो चुकी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, या ठीक है वह नए नवेले हैं, उनके पास अपनी व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो पूरा संगठन है, पूरी पार्टी खड़ी है, इसका लाभ उनको मिलता है। और जो सबसे बड़ा लाभ उनको मिलता दिखता है, वह कोई मुद्दा नहीं है,
वह कोई मुद्दा है तो केवल दो नाम है, वह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं। इनके बूते, इनके दम से ही उनको जो वोट मिलेंगे वह वोट मिलेंगे। मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो कोई ऐसा बहुत खास मुद्दा उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। एक और बात बहुत गंभीर है और वो पूरे चुनाव में असर की, उस सीट पर पहले करवरिया परिवार का लगभग बहुत वर्चस्व रहा है और पहले 12 से विधायक हुए, फिर बेजा से विधायक हुए, उनके फॉलोअर्स की बहुत अच्छी खासी संख्या है। इस चुनाव में भी वह चाहते थे कि उनके परिवार से किसी को टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप भी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव में भीतरघात का भी काम किया है, तो भीतरघात दोनों प्रत्याशियों के पक्ष से हुआ है, ठीक है। तो जो जीत और हार होगी वह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही होगी, प्रत्याशी यहां गौड़ हो जाएगा। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं प्रत्याशी गौड़ हो जाएगा पार्टी की बात, लेकिन एक और फैक्टर है जो सीट पे काम करता है, जातीय फैक्टर। जातीय फैक्टर इस सीट में कहां देख रहे हैं आप इस सीट? सर देखिए, जातीय फैक्टर की जहां तक बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले दो चुनाव में गैर यादव बैकवर्ड ने बहुत साथ दिया था, पूरा साथ दिया था, लेकिन इस दफा ये देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर यादव बैकवर्ड जितने थे उन्होंने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ आज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा हुआ है। और जहाँ तक सवाल है, कुराओं में, बारा में, मेजा में, कठना में ये चीज़ें देखी गई हैं कि सामान्य मतदाता तो निरंतर पार्टी के साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, लेकिन जो गैर यादव बैकवर्ड रहे वो जो है उज्ज्वल रमन के साथ खड़े रहे। उज्ज्वल रमन को एक फ़ायदा जो ये मिला कि वो जो है पूर्व में रह चुके हैं, और हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रधानों को मैनेज किया, उन्होंने हारे हुए प्रधानों को मैनेज किया, उसने बीडीसी मेंबर को मैनेज किया, तो उन हारे हुए बीडीसी मेंबर्स हो गए वहाँ, कई लोग हारे थे और वो क्या नाम है संगठन के और लोग जिला पंचायत हारे हुए सब, मतलब इन सबको उन्होंने, उनके पास समय मिल गया, मैनेज किया। और मैं देख रहा हूँ कि एग्जिट पोल तो आ चुका है, कुछ चैनल तो 80 में 80 सीट उत्तर प्रदेश की दे चुके हैं, अब इनके रिपोर्ट पे हाँ क्या बात करें। लेकिन जहाँ तक इलाहाबाद संसदीय सीट की बात करते हैं हम, तो हमें लग रहा है कि उज्ज्वल रमण जो है वो कुछ आगे चल रहे हैं और उनके जीत की संभावना बन सकती है। एक तो एक्सपीरियंस, दूसरे उनके पास अपना संगठन, तीसरे ये जो मुद्दे काम कर गए जिसमें 1,00,000 रुपया महिलाओं को मिलना, अप्रेंटिस वालों को जो है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिलना, 10 किलो अनाज, उसके साथ साथ जो है आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का जो एक फार्मूला चला वो काम किया हुआ है, और मुझे लगता है जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है, कहीं से भी पक्ष में नहीं। शायद भाई आप जानना चाहेंगे, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कही जा रही थी, इस सीट में अगर नैनी के आसपास देखें तो पसमानदा मुसलमान भी बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद में है, धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा किसको मिलेगा इस सीट? देखिए, जहाँ तक पसमानदा मुसलमानों का सवाल है, कहा तो जा रहा है कि भाजपा को गया, लेकिन ऐसा है नहीं कि भाजपा को वोट गया। भाजपा वाले तो ये भी दावा कर रहे हैं कि करेली में, गौसनगर में भी ध्रुवीकरण हुआ है कि नहीं? नहीं, ध्रुवीकरण तो हुआ 100%, लेकिन वो ध्रुवीकरण कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा हुआ है, तो उसका काउंटर तो उसको तो भाजपा को भी फायदा नहीं, तो भाजपा को उसको मुसलमानों को मिलता है ऐसा नहीं, बिल्कुल उसको नकार नहीं सकते आप, लेकिन आप समझ लीजिए अगर हिंदुओं में ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रत्याशियों को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो जो ऋतु रमन सिंह जी की छवि है वही छवि उज्ज्वल रमन सिंह की मानी जाती है, ठीक है। तो उज्ज्वल रमन सिंह जी एक सेकुलर नेता माना जाते हैं, आप इस सेकुलर का मतलब आप इससे ये मत लगाइए कि हिंदू मुसलमान से, ऋतु रमन सिंह को ब्राह्मण भी मानता है, पिछली जाति के लोग भी मानते हैं, ठाकुर मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, वो बराबर से सबके लिए काम करते हैं। तो ऋतु रमन सिंह यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं उज्ज्वल रमन सिंह के मुकाबले, तो इसलिए ये जो ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा गया है 100%। क्या लगता है, महिला वोटर इस बार बहुत पावरफुल था, आपने भी देखा होगा जी, महिला वोटर की क्या स्थिति थी? व्हाट्सएप को महिला पैनल में नहीं लेकिन फिर भी महिला वोटर्स दिनेश जी निकली तो हैं और बड़ी संख्या में उन्होंने मतदान भी किया है, मगर जिस लिहाज से होना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा, और खासकर युवा वर्ग को ये नहीं साध पाए, और बहुत सारे
जो आपने महिला की बात कर रहे हैं और मैं युवा की भी बात साथ में जोड़ दे रहा हूँ, बहुत सारी युवतियाँ जो नई नई आई इस समय वोटर्स बनी हैं उनको नहीं निकाल पाए, पुराने लोगों को भी और बुजुर्गों का खासकर जो कहा गया था बीजेपी ने स्पेशली और सरकार ने कहा कि बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करेंगे, वो व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आई। ये था कि उनके घर पर जाके वोटिंग होगी, वो भी नजर नहीं आई कहीं भी। इसका कहीं ना कहीं एक असर दिखाई देगा कि जो प्रत्याशी बीजेपी ने दिया था, ये चुनाव बेसिकली ये चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा गया है, क्योंकि पहला चुनाव जब 14 में लड़े हैं तो विकास के नाम पर लड़े हैं, दूसरा चुनाव पुलवामा के नाम पे लड़े हैं, इस बार शुद्ध रूप से पूरे देश में सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ है, मोदी जी के चेहरे पर। क्या लहर आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में भी लहर? मगर कभी कभी कहीं कहीं दिनेश जी लोकल प्रत्याशी का भी असर होता है, और चुनाव मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव में। और मैंने जो आंकलन किया है, मैंने जो सर्वे किया है, जो देखा है इस पूरे चुनाव में, एज ए पत्रकार मैं आपसे अगर बात करूं तो मैंने इतना मिसमैनेजमेंट आज तक बीजेपी का कहीं देखा नहीं है जितना इस बार था, प्रत्याशी लेवल पर भी और पार्टी लेवल पर भी। प्रत्याशी पूरी तरह से पार्टी पर निर्भर थे, पार्टी के लोगों ने हाथ नहीं लगाया, इतना मिसमैनेजमेंट था कि आप मैं उसको बता नहीं सकता। प्रत्याशी लेवल पर तो कतई मैनेजमेंट नहीं था, चुनाव प्रबंधन बहुत कमजोर था, जिसका असर चुनाव पे बहुत पड़ा है। जैसा कि वोटर्स को निकालने की जो बात कही गई थी, एक एक इलाके में पन्ना प्रमुख लगाए गए थे, गाड़ियों की व्यवस्था कराई गई थी, वो कहीं देखने को नहीं मिला। और जो बीजेपी का वोटर है, जो कोर वोटर है, वो बड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट आदमी टाइप का होता है और वो बहुत जल्दी निकलता नहीं है। जब तक आप उनको मैनेज करके निकालने का प्रयास ना करिए, पार्टी लेवल पे व्यवस्थाएं मतलब योजनाएं बहुत थी, व्यवस्थाएं कमजोर। तो प्रयागराज की जो इलाहाबाद लोकसभा सीट है उसमें हम लोगों ने पत्रकारों से बात की, जो सीनियर जर्नलिस्ट से बात की, हमारे पास जो 5 जर्नलिस्ट है उनमें से 5 में से 3 जर्नलिस्ट का कहना है कि यहाँ पर जो गठबंधन है कांग्रेस का वो मजबूत दिख रहा है। 2 लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, खासकर मोदी जी का चेहरा हावी रहा है। तो यहाँ जो लोगों की राय है वो अभी भी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में है। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।